मार्वल के ऐसे तीन कैरेक्टर जो पावर स्टोन को छूने के बाद भी अभी तक जिंदा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पावर स्टोन में इतना पावर होता है कि अगर उसको कोई छू लेता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी पावर स्टोन को यूज करके सेलेस्टियल बहुत सारे प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। और इस लिस्ट पे नंबर 3 पर आता है अपना स्टार लॉर्ड। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में स्टार लॉर्ड अपने हाथ में ही पावर स्टोन को लेके बच जाता है, क्योंकि वो एक सेलेस्टियल है। पर अगर मान लो कि स्टार लॉर्ड अगर आम इंसान होता तो वो कभी भी पावर स्टोन को छूके जिंदा नहीं बचता। नंबर 2 थानोस। जब एवेंजर्स एंडगेम के एंड फाइट सीन में जब थानोस और कैप्टन मार्वल के बीच में ये सीन में फाइट होता है, थानोस पावर स्टोन को पकड़ के कैप्टन मार्वल को एक पंच मारता है, तब थानोस पावर स्टोन को पकड़ के भी वो जिंदा बच जाता है। नंबर 1 पर आता है थॉर। इन्फिनिटी वॉर के शुरुआत से ही थानोस जब थॉर के ऊपर पावर स्टोन से अटैक करता है वो उसको आराम से सर्वाइव कर लेता है। जो पावर स्टोन के अटैक को सह सकता है वो उसको पकड़ भी सकता है।